हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना हरजीत फौजी। दोस्तों 5 6 दिन से वीडियो नहीं लेके आया था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपने कमेंट किया था कि सर मार्च में टी आर्मी की भर्ती आने की थी बात, टी आर्मी भर्ती आने की पूरी संभावना थी मार्च में। तो अब क्या चल रहा है, टी आर्मी की भर्ती अब आएगी या नहीं आएगी, या जो लोग बोल रहे हैं कि 23 अप्रैल से टी आर्मी की दौड़ शुरू हो रही है, क्या वो सच्चाई है उस बात में, या वो सच है या झूठ है, और टी आर्मी आएगी या भर्ती अब नहीं आएगी, और इसमें क्या क्या न्यू अपडेट हुए हैं, इसके बारे में आप बताओ। तो इस वीडियो में आपका फौजी भाई इस सारी इन्फॉर्मेशंस आपको करेक्ट दे देगा। दोस्तों सबसे पहले सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, सत श्री अकाल सभी भाइयों को जो कि मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया और मैं आपको देता रहता हूँ। आर्मी, BSF, CISF, ITBP, SSB, NRA, SM राइफल और सारी सरकारी नौकरियों की जानकारी इसी चैनल पे। तो जो भाई पहली बार आए हैं वो फौजी भाई के इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपके पास मेरा अपडेट सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों कई भाई ने बोला था सर हमें पता नहीं चलता कि आर्मी की अदर वैकेंसी जैसे गोलाबारी डिपो, आर्मी फूड कॉरपोरेशंस, उसके अलावा आर्मी की जो गोलाबारी डिपो है, आर्मी 56 डाकघर है, सेना डाकघर है, सप्लाई कोर है, आर्मी पोर्टर है, इन भर्तियों के बारे में पता ही नहीं चलता और कहाँ चेक करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बोल देता हूँ, आप अपने मोबाइल्स में फ्री जॉब अलर्ट पे बार बार डिफेंस की सर्विसेज चेक करते रहें और ऑफलाइन जो भर्तियाँ आती है उसके बारे में भी जानकारी जुटाते रहें, क्योंकि ये दोनों जानकारी अगर आपके पास होगी ना तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे और ऑफलाइन भी कर पाएंगे। कई भर्तियों के ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं उसका आपको पता नहीं चलता, इसलिए वो ऑफलाइन फॉर्म भी भरें, पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स लगाएं, उसके पीछे पूरा फॉर्म भरें, अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं, उसको पूरा फॉर्म को भर के उस पर ड्यूली अटेस्टेड कीजिए, उसके बाद में एक छोटा लिफाफा डाल के उसमें अपना एड्रेस लिख दीजिए और दिए हुए पते पर डाक टिकट के साथ आप डाकघर के द्वारा भेज दीजिए, उसका वापस कॉल लेटर आएगा, फिर आपका एग्जाम लगेगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन भी जॉइनिंग लेटर के माध्यम से आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है ऑफलाइन भर्तियों की। और कई भाइयों को पता नहीं है यार, कई भाई भर्ती हो गए जैसे गोलाबारू डिपो, 56 डाकघर, सेना, आर्मी स्कूल, इनकी वैकेंसियाँ ऑफलाइन भी आती है, तो उसका भी आप फ्री जॉब अलर्ट पर चेक करते रहा करो मेरे भाइयों। अब हम बात करते हैं टी आर्मी के बारे में। तो दोस्तों अभी जो लोग बता रहे हैं टी आर्मी 23 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो ये हकीकत है क्योंकि पूरी संभावना है 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने की, क्योंकि अभी टी आर्मी बंद हो गई है, इसका प्रमाणिक पूरा प्रमाण नहीं है, इसलिए कयास लगा सकते हैं कि अप्रैल में टी आर्मी की भर्तियां लगभग आती थी, तो हो सकता है टी आर्मी की भर्तियां इस साल अप्रैल में आ जाएं। तो दोस्तों तैयारी करते रहो, तैयारी सबसे मोस्ट फैक्टर है, जब आप तैयारी करते रहोगे तो आपकी संभावना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 23 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23 अप्रैल को टी आर्मी की भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरा उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से जोन की कहाँ कहाँ भर्तियाँ हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनकी जो चौथा जोन है इनकी भर्तियाँ भी 23 अप्रैल से शुरू होने की बताई जा रही है संभावना। तो भाइयों अपनी तैयारी को अब ज़्यादा और ज़्यादा करो, क्योंकि पता है कि जब रनिंग अचानक आपको करने का मौका मिलेगा तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए स्टार्ट से पहले अपनी 1x1 थोड़ी तैयारी रखें ताकि आपको 0 टाइम में परेशानी नहीं हो, यही एक सबसे बड़ा वो है। जब आज आप तैयारी करोगे तो आगे चल के इसे आपका डबल फायदा होगा, तो हो सकता है आपको इसका चीज़ का बहुत बड़ा फायदा हो। तो तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें रनिंग आपको 1600 मीटर सुबह शाम 2 टाइम करनी पड़ेगी, मेडिकल की अपनी तैयारी अलग से करते रहिए, साथ साथ में टाइम टाइम पे अपना टाइम निकालते रहिए, मेडिकल चेकअप भी डॉक्टर के पास करवा लीजिए कि मेरी आंखें 6x6 है, मुझे TNS का पॉइंट तो नहीं है, मेरे कान में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कहीं पॉइंट तो नहीं है, इस सारी चीज़ों के बारे में भी आप जानकारी अपने पास रख लें ताकि आप मेडिकल में फिट हो जाओ। और उसके बाद बसता आपका रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में तो आप कैसे भी पास हो जाओगे। तो कुल मिला के आपके लिए रिटन टेस्ट और आपका फिजिकल दो चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100 नंबर फिजिकल का ले लिए टी आर्मी की भर्ती में और आपने 70 या 75 नंबर आपने रिटर्न में ले लिए, परीक्षा में ले लिए, तो 175 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन कार्ड, लिकर कार्ड, डेबिट कार्ड, छुट्टियां, पूरी पेंशन, सारे अलाउंसेस सब कुछ मिलता है, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी है, 20 साल नौकरी करने का आपका मौका मिले। इसी के साथ आपका फौजी भाई आपको फिर देगा 23 अप्रैल को न्यू अपडेट के साथ। और तब तक मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ कि जब तक आप फॉर्म भरना मत छोड़िए, चाहे फ्री जॉब अलर्ट पर चेक कर कीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल है, टी आर्मी है, आर्मी अग्निवीर है, गोलाबारू डिपो है, SSC GD है, पुलिस है, सारे फॉर्म भरो, कहीं भी यार अपना सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ यार मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली पर कितना मतलब वो कितना हार्ड होता है, किस तरह फैमिली को चलाना अगर जॉब आपके पास नहीं है,
तो आप दोस्तों आशा है आप बहुत मेहनत करोगे, पूरी लगन के साथ करोगे, और ये टी आर्मी की अगर भर्ती आई तो आपका 100% सिलेक्शन हो। बस आप मेहनत करते रहिए, यूं ही नहीं मिलती राही को राहू में मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना सियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तिनका तिनका उठाना पड़ता है, इसी मेहनत को जारी रखिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए, आपको जरूर मुकाम मिलेगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी। बस भर्तियां एक भी मत छोड़ें, सारी भर्तियों के फॉर्म भरते हैं, और टाइम टाइम पर जब भी आपके पास अपडेट आए तो उस भर्तियों का फॉर्म भरना नहीं छोड़ें, बाकी चलता रहेगा। और आपको कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो कमेंट कर लीजिए, नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।